पिछले वीडियो में हम जयपुर से वृंदावन के लिए निकल पड़े थे और हमें आते आते रात हो गई थी, जिस वजह से हमने होटल में स्टे किया। और ये है दूसरा दिन, हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के दर्शन के लिए, जहाँ पे कृष्ण की जन्मभूमि है। तो वहाँ जाते जाते हमें एक गाइड मिला, उसने हमसे क्या कहा आप सुनिए। मंदिर जाना है क्या? गाड़ी मंदिर पे लगवा दूंगा, जन्मभूमि पे, जन्म स्थल पे। थोड़ा साइड लो, थोड़ा गाड़ी थोड़ा हल्का आगे लो, मंदिर पे लगवा दूंगा, दर्शन भी करा दूंगा। हम आगे जाएंगे, आप पार्किंग में जाओ। सुनो, आधा किलोमीटर है पार्किंग, मैं आपका गेट पे गाड़ी लगवाऊंगा मंदिर के सामने। पैदल चलने नहीं दूंगा, लाइन में लगने नहीं दूंगा, बिना लाइन के दर्शन कराऊंगा। मंदिर बंद होने वाला है 1.5 घंटा। मैंने गाइड नहीं लिया क्योंकि कृष्ण जन्म स्थान जो था बिल्कुल पास में ही था और वहाँ गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी थी, इसलिए हमने गाइड लेना सही नहीं समझा और निकल पड़े आगे के लिए। तो ये है कृष्ण जन्म स्थान का मुख्य द्वार, जहाँ से अंदर जाते हैं, पर अंदर फोन अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से मैं फोन नहीं ले जा पाई। बट अंदर का दृश्य बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। दर्शन करने के बाद मैंने कुछ शॉपिंग बाहर निकल के की, मैंने बांसुरी ली, मैंने तिलक चंदन लिया और भी बहुत सारी चीजें ली। उसके बाद हम लोग निकल पड़े कंस किला और द्वारिकाधीश दर्शन करने के लिए। कंस किला तक जाने का जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था। हम रिक्शे से गए थे क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं ले जा सकते और ये इतना ज़्यादा उछल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। खैर, ये जो आपको दिख रहा है ये है कंस किला, इस पर मैं बाद में गई थी। सबसे पहले मैं गई द्वारिकाधीश, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में बंदर थे, जहाँ पर हमें बोला गया कि आप फ़ोन को संभाल के रखिए क्योंकि ये फ़ोन छीन लेते हैं। इस वजह से मैंने वहाँ का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया। और ये है यमुना नदी, जो कि बिल्कुल कंस किला और द्वारिकाधीश मंदिर के सामने थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे देखने पर। सामने आपको जो दिख रहा है वो द्वारिकाधीश मंदिर है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया और हम आ गए वापस कंस किला देखने के लिए। तो मैं अभी जहाँ बैठी हूँ ये है कंस किला। मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, थोड़ी थक गई थी तो मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी। और अब दिखाती हूँ कंस किला की सीढ़ियाँ किस तरीके की हैं। इस तरीके की हैं कंस किला की सीढ़ियाँ। और यहाँ पे उतनी भीड़ थी नहीं, 10 से 12 लोग मुझे दिखे और थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। तो मैंने कंस किला को देखा और यहाँ सामने से दिख रही थी यमुना नदी, जो कि प्यारी लग रही थी। तो इस तरीके का है कुछ कंस किला का दृश्य। मथुरा के सारे दर्शन करने के बाद हम निकले गोकुल के लिए। तो गोकुल जो है मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो हम कार से जा रहे थे तो हमने मैप लगा लिया और हम निकल पड़े गोकुल के लिए। हमने जैसे ही गोकुल में एंट्री की वैसे ही हमें ढेर सारे गाइड मिलने लगे। हमने इन्हें फाइनल किया जो हमें दिख रहे हैं और इन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी से आओ, हम बाइक से चलते हैं। मतलब थोड़ी दूरी थी, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, तो हम लोग इनके पीछे पीछे से गोकुल जाने लगे।
व्लॉग यहीं तक था, आगे का व्लॉग जो है आपको पार्ट 3 में मिलेगा मथुरा वृंदावन के व्लॉग में, तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो व्लॉग जल्दी आएगा। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और ढेर सारा कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।